हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SBG स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्रैश कोर्स क्लास 12th केमिस्ट्री का, जिसमें हम देखेंगे हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन का पार्ट 3। उसके टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हम करेंगे, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं और कुछ क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में करेंगे। और इसका जो पार्ट 3 आज हम कराएंगे, और पार्ट 1 पार्ट 2 में 18 क्वेश्चन हम करा चुके हैं, वो वीडियो आप देख सकते हैं। नीचे आपको प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दी होगी, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप इस जो क्वेश्चंस है, जो इन क्वेश्चंस को मैं करा रहा हूं, हर चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस को 25 कुछ क्वेश्चंस को मैं करा रहा हूं, अगर आप इनको भी कर लेते तो यू हैव टू स्कोर 80-85% बहुत आराम से आप कर सकते हो। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 19 है। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, अरेंज द कंपाउंड ऑफ ईच सेट इन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड SN2 रिएक्शन। अब SN2 रिएक्शन की हमको एक्टिविटी, इसका हमको क्या चेक करना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। इसका हमको क्या करना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी चेक करनी है कि ये जो तीन कंपाउंड्स हमको दिए हुए हैं, इसमें किसकी जो ऑर्डर है ऑफ रिएक्टिविटी वो ज़्यादा है, किसका कम है। और इससे पहले आपको पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला कि ये किस बेसिस पे काम करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि रिएक्टिविटी ऑफ SN2 रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। मतलब अगर आपकी जो रिएक्ट अगर आप स्टेरिक हिंड्रेंस है, जो स्टेरिक हिंड्रेंस आपका इंक्रीज होगा, तो आपका रिएक्टिविटी ऑफ SN2 रिएक्शन इज डिक्रीज। तो ये दोनों अपोजिट होते हैं, तो ये आपको देखना है। तो अब आप देखिए, सबसे ज़्यादा जो आपका स्टेरिक हिंड्रेंस है वो किस में है, जिसकी सबसे कम क्या होगी, SN2 रिएक्शन। तो सबसे ज़्यादा हिंड्रेंस आप इसमें देखिए, इसमें 2 ब्रोमो जुड़े हुए हैं और 2 मिथाइल जुड़े हुए हैं, ठीक है। और इसमें 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन और इसमें 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। अगर आप इसका स्ट्रक्चर बना के देखोगे तो इसमें सबसे ज़्यादा आपको स्टेरिक हिंड्रेंस मिलेगी, इसमें उससे कम स्टेरिक हिंड्रेंस मिलेगी, और इसमें आपको बहुत ही कम हिंड्रेंस मिलेगी, क्योंकि 1 पे ब्रोमो जुड़ा हुआ है, 1 पे ब्रोमो। इसमें 2 पे ब्रोमो जुड़ा हुआ है, इस पे 2 पे है और 2 पे ही मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पे आपका ज़्यादा होगा। एक बार देखिए, दोबारा से इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, यहाँ पे हालांकि स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। क्या ब्यूटियन है, मैं आपको डायरेक्टली समझा दे रहा हूँ, क्या है आपका यहाँ पे, क्या है, 2 पे ब्रोमो है, 2 पे ही आपका ब्रोमो है और 2 पे ही आपका मिथाइल है, CH3 है, ठीक है। तो ये बन गया, इसका देखिए, इसका है C, C, C और C। अब इसमें देखिए, आपका 3 पे मिथाइल है CH3 और 2 पे आपका ब्रोमो है, तो यहाँ पे थोड़ी कम है स्टेरिक हिंड्रेंस है। इसको देखिए, इसमें क्या है, 1 पे ब्रोमो है और यहाँ पे 1, 2, 3 पे आपका मिथाइल है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस है वो कहाँ पे है, यहाँ पे है, इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी ऑफ SN2 रिएक्शन है, इसमें उससे कम रिएक्टिविटी ऑफ SN2 रिएक्शन है और इसमें सबसे कम रिएक्टिविटी ऑफ SN2 रिएक्शन है। मतलब अगर SN2 रिएक्शन से अब इन तीनों कंपाउंड में SN2 रिएक्शन से कराएंगे तो सबसे फास्ट जो रिएक्शन होगी वो इसकी होगी, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन की होगी। तो चलिए, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। अभी क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछ रहा है, दी CC बॉन्ड लेंथ इन क्लोरोबेंजीन इज शॉर्टर देन दैट ऑफ दैट इन CH3Cl। अब आप देखिए, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन क्लोरोबेंजीन, अब आपको एक कंपाउंड दिया हुआ है क्लोरोबेंजीन और दूसरा कंपाउंड दिया हुआ है CH3Cl। अब इसमें कहा है कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन क्लोरोबेंजीन इज शॉर्टर, शॉर्टर, इसमें जो कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ है वो कम होती है इसके कंपैरिजन से, तो वो आपको प्रूव करना है क्यों होती है, वाई, ये इसने क्वेश्चन पूछा है। तो आपको आंसर देना है, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस इन क्लोरोबेंजीन। आपको पता है अगर क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन में रेजोनेंस होगा तो इसकी जो बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ है वो कम होगी, ठीक है। इट डेवलप पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर SP2 हाइब्रिडाइज, थस CCl बॉन्ड लेंथ इन हेलो एरीन्स इज इंक्रीज। CCl बॉन्ड लेंथ इन हेलो एरीन्स इज इंक्रीज, तो जो हेलो एरीन्स है उनमें क्या होता है, CCl की जो बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा हो जाता है। इसमें CCl है, यहां पे CC नहीं है, CCl है, ठीक है। CCl बॉन्ड लेंथ इन हेलो एरीन्स इज इंक्रीज। क्लोरोबेंजीन को आप एक देखिए, एक बार क्लोरोबेंजीन को मैं एक बार ऐसे ही दिखा देता हूं आपको, यहाँ पे CL है, तो यहाँ पे रेजोनेंस होगा, तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स यहाँ पे होंगे और SP2 हाइब्रिडाइज होगा, तो दैट्स वाई दी CCl बॉन्ड लेंथ इन क्लोरोबेंजीन इज शॉर्टर देन दैट ऑफ CH3Cl। तो उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21 पर। तो क्वेश्चन नंबर 21 भी कुछ ऐसा ही है, क्लोरोबेंजीन इज एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड अ न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, गिव रीजन। क्लोरोबेंजीन क्यों होता है एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस इन क्लोरोबेंजीन, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। आपको एक बात और बता दूं, बहुत सारे अगर ऐसे क्वेश्चंस आए, अगर आपको कुछ नहीं पता कि इसमें क्या होगा, तो आप बिकॉज ऑफ रेजोनेंस देख लेना, अगर हो ना, अगर उसमें हो, क्या हो उसमें, अगर उसमें कुछ ऐसा हो जिसमें रेजोनेंस हो रहा हो, तो उसमें लिख देना बिकॉज ऑफ रेजोनेंस,
एक्सट्रीमली ज़्यादा जो मैक्सिमम जो केसेस है उसमें यही होता है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन जो है, क्लोरोबेंजीन आपको स्ट्रक्चर एक बार फिर बना के दिखा देता हूँ, ये आपका क्लोरोबेंजीन है। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें रेजोनेंस होगा और इसी वजह से दी डेवलप पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ये ऊपर वाला ही लिख देना है आपको, सेम इसमें ऊपर वाला ही लिख देना है, क्योंकि क्लोरोबेंजीन में आपका क्या होगा, आपका बेन जो पार्शियल डबल बॉन्ड वो कैरेक्टर्स जनरेट होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि इसमें रेजोनेंस हो रहा है, दैट्स वाई sp2 हाइब्रिडाइज ये बन जाएगा और उसी वजह से इसमें जो है जो ये लेस रिएक्टिव होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। तो दोस्तों उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारा क्वेश्चन नंबर 21, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट हैपन व्हेन ब्रोमीन अटैक CH2 CH CH2 CH CH ट्रिपल बॉन्ड। अब इसका जो मेन जो आप देखिए क्या ये पूछना चाहता है, ये इसका जो मेन जो पूछने का काम है वो पूछ रहा है कि जब ब्रोमीन अटैक करेगा तो इस वाले ग्रुप पे करेगा या इस वाले साइड में करेगा, तो इसका मेन यही है। तो अब आपको मैं बता देता हूँ कि Br2 जब रिएक्ट करेगा, जहाँ पे ज़्यादा डबल बॉन्ड्स है, जहां पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जहां पे बॉन्ड जाता है वहीं पे वो अटैक करेगा। तो यहां पे देखिए कि कहां पे है, यहां पे डबल बॉन्ड है और यहां पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो देखिए कहां पे अटैक करेगा, जहां पे ज्यादा बॉन्ड्स होते हैं, तो यहां पे तीन बॉन्ड है, यहां पे ही अटैक करेगा। तो ब्रोमीन जब Br2 अटैक करता है, जब Br2 अटैक करता है तो दोनों जगह पे Br जुड़ जाता है। तो आपको क्या करना है, बहुत सिंपल तरीके से आपको Br ऐड कर देना है। अब आप कहोगे तो ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन तो है, बट आपको जब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, फर्स्ट पार्ट पूछा जाएगा, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, ये जो आपको बड़ा क्वेश्चन है उसमें ऐसे तीन पार्ट्स आपको पूछे जाएंगे और उनमें आपके यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगर आपको लगता है कि ये बहुत कम है तो इसके बारे में आप थ्योरी थोड़ा सा लिख सकते हो, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, राइट अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्यूश बिटवीन क्लोरोबेंजीन एंड बेंजाइल क्लोराइड। अब आपको क्या बताना है, क्लोरोबेंजीन और बेंजाइल क्लोराइड के वे आपको क्या बताना है, इनमें आप कौन सा केमिकल टेस्ट करें ताकि इनको हम डिफ्रेंशिएट कर पाए। अब देखिए इसका आंसर देखिए, बेंजाइल क्लोराइड वाज ट्रीटेड विद AgNO3 सॉल्यूशन विल गिव अ वाइल PPT। अब आपको क्या पता है, आपको जब भी एक कोई बेंजाइल जो क्लोराइड है उनको जब आप ट्रीट कराते हो AgNO3 से, तो वो क्या करता है, एक वाइट PPT प्रोवाइड कराता है, बट क्लोरोबेंजीन ऐसा नहीं कराता। ये सारे केमिकल टेस्ट आपको पढ़ने हैं, इन केमिकल टेस्ट पक्का 100% श्योर मैं आपको बता दूँ, एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा केमिकल टेस्ट से। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्लोरोफॉर्म एंड कार्बन टेट्रा क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म एंड कार्बन टेट्रा क्लोराइड को आपको डिस्टिंग्यूज करना है, तो इसका एग्जाम इसका आंसर देखिए CHCl3, मतलब क्लोरोफॉर्म वाज ट्रीटेड विद फर्स्ट डिग्री एमाइन एंड QH गिव्स ऑफेंसिव स्मेलिंग आइसोसाइनाइड विद CCl4 डज नॉट शो दिस टेस्ट, वाइल CCl4 जो हमारा कार्बन टेट्रा क्लोराइड है वो इस टेस्ट को शो नहीं करता, कौन से टेस्ट को, 1 डिग्री एमाइन एंड KOH गिव्स द ऑफेंसिव स्मेलिंग। तो ये क्या है, CHCl3 इसको आप इस टेस्ट को शो करता है बट CCl4 इस टेस्ट को शो नहीं करता है, दैट्स वाई वी आर सेपरेट एंड वी आर डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज टू कंपाउंड्स, क्लोरोफॉर्म एंड क्लोरो टेट्रा क्लोराइड। तो दोस्तों उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 है, हाउ वुड यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म ऑफ द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, SN1 और SN2 रिएक्शन में आपको क्या है, आपको डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर देखिए बहुत अच्छे से समझना, इन SN1 मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट। इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करता है ओनली कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट विच इज टेट्राब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, टेट्राब्यूटाइल ब्रोमाइड, इट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। जो SN1 रिएक्शन है इसमें आपका फॉर्म क्या होता है, जब आपकी रिएक्शन होती है इसमें कार्बोकेटाइन आपका बनता है, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट आपका बन जाता है। ठीक है, वाइल इन SN2 रिएक्शन में देखिए, ये मैं आपको बहुत छोटे तरीके से बता रहा हूँ, आप थोड़ा बहुत ज़्यादा लिख सकते हो पढ़ के। अब देखिए सेकंड देखिए, इन SN2 मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट। अब आपको भाई समझने की दो ही चीज़ें हैं, वो समझने की आपको
जरूरत है। जो SN1 रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन ओनली वन रिएक्टेंट, ओनली वन रिएक्टेंट, बट इन SN2 रिएक्शन बोथ रिएक्टेंट, वन SN1 मतलब वन रिएक्टेंट और SN2 मतलब बोथ रिएक्टेंट, ठीक है, ये आप याद रखना, थोड़ा SN2 और SN1 से हो जाएगा। इट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट एंड ऑल्सो इन्वर्स ऑफ कॉन्फिगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। उसमें क्या देता था, उसमें कार्बोकेटाइन देता था इंटरमीडिएट में, इसमें क्या देगा, इसमें ट्रांजिशन स्टेट देगा, इसमें ट्रांजिशन स्टेट। अब देखो कार्बोकेटाइन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आता है पूरा अपना जो कंपाउंड है, बट ट्रांजिशन स्टेट में आपका जो आपका जैसे कोई BR है जैसे, वो जुड़ता भी है और कोई प्रोडक्ट निकलता भी है, वो दोनों एट अ टाइम ही होता है, उसे बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। एंड ऑल्सो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, और SN2 रिएक्शन में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है। तो अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना है तो आप दो, ये दो पॉइंट आप अगर लिख दोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 एंड लास्ट ऑफ द क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 25 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, इसको ध्यान से देखिए। हाउ द फॉलोइंग कन्वर्जन कैन बी कैरिड आउट, आप इन जो कन्वर्जन को है मतलब इथेनॉल टू प्रोपेनाइट्राइल, इसको आप कैसे कन्वर्ट करोगे, ये आपको देखना है। आपको क्या देखना है, ये आपको कन्वर्जन आप कैसे करोगे वो आपको देखना है। तो सबसे पहला है इथेनॉल टू प्रोपेनाइट्राइल, प्रोपेनाइट्राइल आपको बनाना है यार, कुछ इसके नाम भी ऐसे होते हैं ना कि भाई तुम देख लो बस। अब यार कैसे कैसे नाम होते हैं केमिस्ट्री में, बट हमको यार करना है तो करना है। तो आपको इथेनॉल लेना है, सबसे पहले हमने इथेनॉल लिया है, अब इसको हमको बनाना है ये वाला। अब आपको पता होना चाहिए प्रोपेनाइट्राइल का आपको जो स्ट्रक्चर है वो पता होना चाहिए, यहाँ पे CN होता है। तो हम क्या करते हैं, CN बनाने के लिए डायरेक्टली हमारा कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं होता, अगर आपने सारी रिएक्शंस देखोगे तो डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं होता। इसको हम सबसे पहले क्या है, आयडोइथेन में कन्वर्ट कर देते हैं, आयडोइथेन में कन्वर्ट कर देते हैं, रेड PI और I2 से हम इसकी रिएक्शन कराएंगे, तो जो OH होता है वो I में कन्वर्ट हो जाता है, I वहाँ से OH रिमूव हो जाता है, वहाँ पे I आ जाता है। अब जब I आ गया तो उससे डायरेक्टली अगर हमको C ट्रिपल बॉन्ड N बनाना है तो हमारे पास KCN से हम रिएक्शन करा सकते हैं। तो जैसे ही हम KCN से रिएक्शन कराएंगे तो डायरेक्टली हमारा I की जगह पे KCN आ जाएगा, वो CN हमारा आ जाएगा। KCN से रिएक्शन कराएंगे तो KI हमारा रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे CN आ जाएगा और हमारा जो प्रोपेनाइट्राइल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, प्रोपेनाइट्राइल। हमको क्या बनाना था, इथेनॉल टू प्रोपेनाइट्राइल बनाना था, तो हमारा सिंपली बन जाएगा। तो उसके बाद सेकंड जो है हमारा वो है एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन, एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन हमको बनाना है। एनिलीन का और क्लोरोबेंजीन का आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर आना चाहिए, तो एनिलीन का आप देख लीजिए स्ट्रक्चर, बेंजीन से NH2 और क्लोरोबेंजीन में बेंजीन से Cl जुड़ा होना चाहिए। अब बात आती है ये डायरेक्ट कोई ऐसा है कि NH2 से Cl बना दे, भाई नहीं होता है, पहले आपको डाइजेशन बनाना है, डाइजेशन करना है, NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl करना है। जैसे आप इससे करोगे तो N2Cl यहाँ पे बन जाता है। N2Cl को रिमूव करने के लिए अगर आप N2Cl से डायरेक्ट Cl करोगे तो हमारे पास CuCl इन द प्रेजेंस ऑफ HCl होता है। तो आपको हर रिएक्शन में डायरेक्टली, आपको मेरे को लगता नहीं है कोई रिएक्शन ऐसी होगी जो डायरेक्टली आपको कन्वर्ट कर देगी। तो NH2 से आपको Cl में जाना है, आप ध्यान देना कि जिसे मान के चलो NH2 से आपको Cl में जाना है, भाई ऐसी तो कोई रिएक्शन नहीं। अगर आपको रिएक्शन याद होगी कि हम NH2 से पहले N2Cl में जा सकते हैं, बाय किससे, बाय NaNO2CHCl से जा सकते हैं, फिर N2Cl से हम डायरेक्टली Cl में जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं, CuCl इन द प्रेजेंस ऑफ HCl से जा सकते हैं। तो यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हमारा बनता है पहले बीच में इंटरमीडिएट में, और उसके बाद हम क्लोरोबेंजीन बना लेते हैं। उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये लास्ट है आपका, बट और सारे चैप्टर्स में और भी क्वेश्चंस कराएंगे, अभी देख लीजिए। आपका जो लास्ट है वो है आइसोप्रोपाइल एल्कोहल टू आइडोफॉर्म। यार ये क्या भैया, आइसोप्रोपाइल तो आप बना लोगे, आइसोप्रोपाइल बनाया और उसके बाद उससे एल्कोहल होना चाहिए, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल टू आइडोफॉर्म बनाना है CH3I। अब भाई यार इसको हम कैसे कन्वर्ट करें, इसको हम कैसे करें, अब हमको भी कुछ नहीं पता। तो इसकी दो डायरेक्टली रिएक्शंस होती है आइसोप्रोपाइल एल्कोहल की, जब आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो ऑक्सीडेशन से जो हमारा OH होता है वो O में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोपिनोन बन जाएगा। ठीक है, हमने क्या है ऑक्सीडेशन हम कराते किससे कराते हैं, ऑक्सीडेशन आपको याद होना चाहिए K2CrO7 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 से हम कराएंगे, तो CH3C डबल बॉन्ड OCH3 हमारे पास बन जाएगा। अब बात आती है हम आइडोफॉर्म बनाना है, तो आइडोफॉर्म बनाने के लिए हमेशा I2 Na2
CO3 से आपको रिएक्शन करा दिया। जब भी आपको आइडोफॉर्म बनाना है तो आपको जब लगता है कि प्रोपिनोन या कीटोन बन चुका है तो वहाँ से आप डायरेक्टली I2Na2CO3 से रिएक्शन करा दोगे तो डायरेक्टली हमारा जो आइडोफॉर्म है CH3 हमारा बन जाएगा। तो दोस्तों होप करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगा, अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों को, ठीक है। और उसके बाद और भी सारे चैप्टर्स, तो ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है, इसे तीन वीडियोज़ हम डाल चुके हैं, तीन पार्ट डाल चुके हैं, तीन पार्ट्स को देखिए। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, हमारी वेबसाइट पर जाइए, वहां से सारा स्टडी मटेरियल डाउनलोड कीजिए। और दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।